नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी YouTube पहाड़ी फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। दोस्तों, पहाड़ों में हो चुके हैं सुबह और सुबह के अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं जा रहा हूं कसैली मार्केट की तरफ दूध पहुँचाने के लिए और करते हैं दिन की शुरुआत। बहुत कुछ होने वाला है, ब्लॉग में जाना है काम पर भी, तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पहाड़ों का दिन सुबह का खूबसूरत मौसम दिखाता हूँ, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुबह का टाइम है और दीपक भाई मैं पहुंच चुके हैं काम पे। दीपक भाई कर रहे हैं ईंटों की तराई जो कल शाम को चिनाई हुई थी। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। मुझे चलना है मजेड़ा साइट के लिए, वहाँ भी काम स्टार्ट करवाना है क्योंकि बहुत दिनों के बाद वहाँ भी काम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, अमित भाई और मैं पहुँच चुके हैं मजेड़ा साइट पर और जहाँ से पत्थर उठाए जा रहे हैं यहाँ पर रिटेन्यूवल की नींव खोदी जाएगी। तो यहाँ पर रिटेन्यूवल एक और बनाई जाएगी। दोस्तों, 5-6 दिन के बाद काम हो रहा है। लगातार 3-4 दिनों की बारिश जिसमें पत्थर की चिनाई का काम हो नहीं सकता और ऊपर से मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद आज यहाँ पर काम फिर से स्टार्ट हो चुका है और अभी रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जाएगी। दोस्तों, मैं हूँ आज मजेड़ा साइट पे। मजेड़ा साइट पे आया हुआ हूँ, पहले आपको व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, आसमान में खूबसूरत बादल छाए हुए हैं और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। खुला व्यू, काफ़ी शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो साइट पर काम हो रहा है, ऊपर रोड से मसाला लाया जा रहा है, मसाला यहाँ पर बनाया जाएगा। रिटेनिंग वॉल इधर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक पार्ट जो हमारा ये रहा है। तो सुबह के टाइम में जो यहाँ पर हुई है रिटेनिंग वॉल की, जो इसके बगल से रिटेनिंग वॉल की नींव थी ये खोदी गई है। इस पर करा जाएगा DPC और उसी के लिए ऊपर से अभी मसाला लाया जा रहा है। मैंने बहुत से ब्लॉग इस साइट के इस पर डाले हुए हैं शुरुआत से ही, किस प्रकार रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी गई और किस प्रकार चिनाई हुई। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, ये हमारी रिटेनिंग वॉल की लुक है। ये वाले पार्ट हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। पहला पार्ट कंप्लीट है, दूसरे पार्ट पे एक लेयर रही है, तीसरा पार्ट जो ये है, तीसरे पार्ट को हम अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि पहले बनाया जाएगा इसके सपोर्ट के लिए यहाँ से एक पार्ट और। तो ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है, पहले इसकी चिनाई होगी। रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी गई है, मिट्टी इस पर उठा दी है सुबह, अब इस पर मसाला DPC करी जाएगी। तो ये काम हो रहा है अभी यहाँ पर और व्यू काफ़ी मस्त देखने को मिल रहा है आज। तो ये है हमारी साइड पे काम का प्रोसेस। अभी मसाला इकट्ठा करे जा रहे हैं, फिर दिखाऊंगा आपको बाद। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 2:30 और सुबह मैंने जो आपको दिखाया कि हमने यहाँ पे DPC कार्य हमने करना है, वहाँ पे रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी जा रही है, तो उस पर चला है अभी DPC करी जा रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काम यहाँ पर चला हुआ है। मैं पहले दिखाता हूँ आपको खूबसूरत लुक DPC की, जो अभी हम डाल रहे हैं DPC। तो दोस्तों देख सकते हैं, काम हमारा चला हुआ है और नीचे डाली जा रही है नई जो रिटेनिंग वॉल की नींव खोदी गई सुबह, उस पर डाली जा रही है अभी DPC। तो दोस्तों ये देखिए, ये वाली DPC हम अभी डाल रहे हैं जो मैंने आपको सुबह दिखाई कि इसकी नींव खोदी गई है, तो इस पर अभी DPC कार्य हो रहा है। तो बाद में जब कंप्लीट हो जाती है फिर आपको दिखाऊंगा मैं। और व्यू देखिए, अभी दोपहर के समय में काफ़ी क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है और हल्के हल्के आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो ये कुछ नज़ारे हैं अभी दोपहर के समय में मजेड़ा साइड से। तो देखते हैं दोस्तों अभी शाम तक कितना कार्य हो पाता है। मैं शाम को अभी आपको लास्ट फुटेज दिखाऊँगा। फ्रेंड, फाइनली DPC हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये उसकी लुक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने DPC डाली हुई थी और इस पर होगी कल से चिनाई रिटेनिंग वॉल की। देखें किस प्रकार DPC वर्क हुआ यहाँ पर, हुआ किया गया है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, हम आ चुके हैं मजेड़ा साइड से, अभी जा रहे हैं घर की तरफ को और अभी बैठे हैं डंपर पे। डंपर पे बैठने का जो मज़ा आ रहा है, क्या आप बैठे हैं कभी डंपर में, कमेंट में शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहुंच जाते हैं चकोटा साइड पे, वहाँ दिखाऊंगा सुबह कितना काम हुआ है और दिन भर में कितना काम हुआ है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ चकोटा साइड पर और देखिए, इन्होंने यहाँ पर गजब चिनाई कर रखी है। काफ़ी चिनाई इन्होंने ईटा की यहाँ पर कर दी है, लगभग लेवल इन्होंने कम्प्लीट कर दिया है और वर्कर छुट्टी कर रहे हैं यहाँ पर भी। मैं चलता हूँ नीचे और वहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार उन्होंने आज यहाँ पे, सुबह कहाँ थे जहाँ दीपक भाई पानी डाल रहा था, सुबह अगर आपने देखा होगा तो वहाँ थे और लगभग इन्होंने इतनी चिनाई आज उठा दी है। बहुत अच्छा काम कर रखा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा।
और ये व्यू आ रहा है शाम के समय में यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत व्यू। और देखिए पूरे बादल आसमान में आए हुए हैं, नज़ारे शाम के काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं यहाँ से भी। तो अभी चलेंगे कसिया लेक की तरफ को। तो पहाड़ों में हो चुकी है शाम, मैं हूँ अभी कसिया लेक मार्केट पे। ये है कुछ कसिया लेक मार्केट पे शाम का नज़ारा। पूरा अंधेरा हो चुका है, आसमान में भी काले बादल आ चुके हैं। तो हमें थोड़ा वेट करना है मजेड़ा साइड के लिए, पत्थर की गाड़ी आ रही है तो लगभग एक घंटा और है। पत्थर की गाड़ी का वेट करते हैं, फिर जाना है मजेड़ा साइड पर, फिर निकलेंगे घर की तरफ को। ये है शाम का नज़ारा कसिया लेक मार्केट पर। तो दोस्तों फाइनली हमारा पत्थर की गाड़ी आ चुकी है, काफ़ी लेट पहुंचा पत्थर, लगभग दो घंटा लग गया यहाँ पर आने तक। पत्थर को जल्दी आना था लेकिन लेट पहुंचा। तो चलते हैं अभी मजेड़ा की तरफ और शाम का माहौल दिखाता हूँ आपको, क्या नज़ारे आते हैं पहाड़ों पे। और ये मजेड़ा साइड के ऊपर कैंप साइट के पास में हम पहुँच चुके हैं, जो मैं अक्सर दिन में आपको दिखाया करता हूँ। अभी काफ़ी लाइटिंग में काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, नीचे कैंप साइट की लाइटिंग और ऊपर देखिए आसमान में प्रकृति की लाइट, खूबसूरत चांद बादलों के बीच में नज़र आ रहा है। तो मजेड़ा साइड पे हम पहुंच गए हैं। फ्रेंड ये आ रहा है अभी नाइट व्यू मजेड़ा साइड से, खूबसूरत देखिए सामने है धानाचुली का व्यू, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है। पत्थर की गाड़ी हमारी आ चुकी है, अब अनलोड करते हैं इसको, फिर दिखाऊंगा आपको, बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है सामने देखिए। तो दोस्तों पत्थर की गाड़ी आगे जाके रिवर्स हो चुकी है, अब यहाँ पर आएगी पत्थर की गाड़ी और पत्थर अनलोड करते हैं। तो दोस्तों पत्थर की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, अब जगह देख के गाड़ी को रिवर्स करा जाएगा और पत्थर नीचे डाला जाएगा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, पत्थर काफ़ी लेट आया। तो दोस्तों अभी गाड़ी का पोजिशन बनाया जा रहा है कि किस प्रकार पत्थर अनलोड होगा, रात का समय है, डिफ़िकल्ट रहता है थोड़ा, तो गाड़ी अनलोड करते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। दोस्तों एक तो पत्थर लेट पहुंचा, ऊपर से पत्थर की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, जो पत्थर डंपर को ऊपर प्रेशर देता है, प्रेशर जग, उस पर एयर नहीं जा पा रही क्योंकि उसका एयर पाइप ख़राब हो चुका है। तो अभी हाथ से उतारा जा रहा है पत्थर। हम पहुंच चुके थे यहाँ पे 7 बजे, लगभग डेढ़ घंटा लग चुका है, 20-30 मिनट तो लगभग उसकी जुगाड़ लगाने में लगे हम, लेकिन हो नहीं पाया। लास्ट में डिसीज़न लिया कि हाथ से ही पत्थर उतारते हैं, और पहाड़ी बंदे हैं सभी, आराम से काम कर लेंगे, देखते हैं समय कितना लग पाता है। तो फाइनली दोस्तों हमारा पत्थर अनलोड हो चुका है और भाई लोगों ने भी काफ़ी मेहनत कर ली। और ये है पत्थर जो गोला का पत्थर है, काफ़ी लेट पहुंचा, दिन में ही आ जाना था, किन्हीं कारणों बस लेट होगी पत्थर को। तो फाइनली पत्थर उतर चुका है, अब चलेंगे घर की तरफ को। अभी देखिए समय हो गया है 9:04 शाम के समय में, तो निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अभी चौखुटा पे, मजेड़ा साइड से आ गए हैं, लगभग 20-30 मिनट और लगेगा घर पहुंचने में। पास में कसिया लेक मार्केट, कसिया लेक मार्केट से पैदल लगभग 15-20 मिनट का पैदल वॉक है, और रात काफ़ी हो चुकी है। देखिए ये पहुंच चुके हैं हम कसिया लेक मार्केट में, और मार्केट पूरी बंद हो चुकी है। इस प्रकार के नज़ारे हो तो ये दोस्तों पहाड़ों में, आजकल 8 से 9 बजे तक लगभग पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, और शहरों में तो अभी मार्केट खुल रही होगी। फाइनली हम चल दिए हैं घर की तरफ, गाड़ी से उतर चुके हैं, लगभग 15-20 मिनट की पैदल वॉक है, उसके बाद घर पहुंचते हैं, डिनर करते हैं, तो घर पे मिलते हैं आपसे। तो फाइनली फ्रेंड घर पे पहुंच चुके हैं, और घर पे सभी लोग सो चुके हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं पहाड़ों पे इतनी देर तक जागते नहीं हैं, और शहरों में तो अभी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही होगी। तो दोस्तों हम लोग करते हैं अभी डिनर, सभी लोगों ने खा लिया, मैं डिनर में दिखाता हूँ आप क्या बना हुआ है। तो पहले ये देखिए, फिर करते हैं ब्लॉग को एंड। दोस्तों जो डिनर में बना हुआ है, बिच्छू घास की सब्ज़ी जो कंडाली हम बोलते हैं, और साथ में भुनी हुई मिर्च, और दीपक काट रहा है यहाँ पे प्याज, और साथ में रखे हैं हमने सगड़ बोलते हैं इसको, जिसमें कोयले रखे हुए हैं, पहाड़ी में सगड़ बोला जाता है, तो सगड़ में रखे हैं कोयले, आग सेकते हुए डिनर करते हैं। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।